अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 8-1 चीज़ें हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग भाई के चैनल पर नए हाजिर हुए हैं तो यार प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? साथ में आज बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह फ़ौरन मिलता रहे, ठीक है? तो कुछ होंगे इनमें से जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर आए होंगे, मैं उनको बताता चलूं कि यार वीडियो में अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो कमेंट सेशन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसी वीडियो के कमेंट सेशन में जो भी चीज़ आपकी सिटी में है आप वो सिटी देख लीजिएगा। अगर आपकी सिटी में है तो कितने नंबर पे चीज़ आ रही है तो उसी हिसाब से आप नीचे कमेंट सेशन से उसका डायरेक्ट नंबर ऑनर का लेके उसको कॉल करके प्राइस रेंज की, मतलब कि बाकी कंडीशन वगैरह की, लोकेशन वगैरह की आप बात इजीली कर सकती हो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ, साथ में उसके प्राइस रेंज बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में, फिर फर्दर आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक अदद 5 सीटर सोफ़ा सेट जो कि 22,000 रुपये में सेल हो रहा है और बहुत अच्छा सोफ़ा सेट है, ठीक है? फिर एक है हमारे पास सोफ़ा सेट ही है जिसके साथ आपको एक टेबल भी मिल जाएगा, ठीक है? एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में ये इस टाइम मौजूद है और 17,000 रुपये का ये सेल हो रहा है, ठीक है? देन है हमारे पास एक ऑफिस चेयर, ठीक है, जो कि आप कंप्यूटर वर्क, स्टडी वर्क किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 3,500 रुपये की सेल हो रही है। जो भी प्राइस रेंज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ये फाइनल नहीं है, आप लोग प्राइस रेंज की बात भी कर सकते हो, प्राइस कम भी करवा सकते हो। देन है हमारे पास एक एल शेप सोफ़ा सेट जिसके साथ आपको एक टेबल भी मिल जाएगा, ठीक है? ये इसका भी टेबल है, तो ये एल शेप सोफ़ा सेट 15,000 रुपये में सेल हो रहा है। देन है हमारे पास एक अदद बेडरूम सेट जिसमें बेड है, ड्रेसिंग है, साइड टेबल है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर प्राइस रेंज की इसकी बात करें, विद मैट्रेस है 25,000 रुपये है, ठीक है? इसके साथ आपको बेड, मैट्रेस और 2 अदर साइड टेबल देखने को मिल जाते हैं, बेड, मैट्रेस, 2 अदर साइड टेबल और विद ड्रेसिंग टेबल। देन है हमारे पास 2 अदर सिंगल बेड जो कि सेम आपको डिज़ाइन में मिल जाएंगे, प्राइस रेंज की बात करें तो 9,500 रुपये के दोनों सिंगल बेड आपको देखने को मिल जाते हैं। देन है हमारे पास एक 4 चेयर के साथ राउंड में डाइनिंग टेबल, टॉप ग्लास में, ठीक है, काफ़ी अच्छा डाइनिंग टेबल है, प्राइस रेंज की अगर हम इसकी बात करें तो 12,000 रुपये में सेल हो रहा है। फिर बताता जा रहा हूँ कि यार फाइनल प्राइस नहीं है किसी रेंज किसी भी चीज़ की जो कि आप प्राइस रेंज की बात कर सकते हो। देन है हमारे पास डाइनिंग टेबल जो कि 10,000 रुपये में सेल हो रहा है, ठीक है, 6 चेयर के साथ है, ओवरऑल वुड में है, ठीक है, 7/10 कंडीशन आप इसकी डाइनिंग टेबल की कह सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है? आप लोगों को चीज़ें तो पता चल गई हैं, तो अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप वीडियो देख लो एंड तक, ताकि आप लोगों को प्राइस रेंज का आइडिया हो गया, ताकि आप चीज़ को देख सको अच्छी तरह कि क्या कंडीशन है, किस सिटी में है, क्या सीन है बाकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सोफ़ा सेट की, जो कि 5 सीटर में मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छी कंडीशन में भी मैंने आपको कहा, और डिज़ाइन और मतलब कि ओवरऑल देखा जाए काफ़ी ज़बरदस्त सोफ़ा सेट है। प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी मैंने प्राइस रेंज आपको 22,000 रुपया बताई है, ठीक है? ये प्राइस फाइनल नहीं है, इसकी प्राइस रेंज की आप बात कर सकते हो मज़ीद, मतलब कि आपको 20,000 रुपया उनका जेन होगा कन्फर्म देने का, ठीक है? उससे आप कम करवा लीजिएगा 17 में, 16 में, 15 में, 18 में, ठीक है, जितना आप लोगों का बजट है आप अपने बजट के मुताबिक प्राइस रेंज लगा सकते हो। इस्लामाबाद में इस टाइम ये मौजूद है तो इस्लामाबाद वाले भाई परचेज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास फिर सोफ़ा सेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ये भी 5 सीटर में विद टेबल के साथ, इसकी जो प्राइस रेंज है वो 17,000 रुपये है, खैबर पख्तून एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम ये मौजूद है, ठीक है? ये भी 2,000 रुपये का मार्जिन इन्होंने भी रखा हुआ है, मतलब कि कम करने का, ये भी 15,000 रुपये में आपको देने का इनका कन्फर्म जेन होगा, पर कोशिश कीजिएगा ये जितना आप लोग इससे कम करवा लो, ठीक है, 12 पे ले आओ, 13 पे ले आओ, क्योंकि ये देखो ये चीज़ होती है कि आप जब सेकेंड हैंड चीज़ परचेज़ करने लग जाते हो ना
तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आपका जितना बजट है, आपने जितना बजट अपना बनाया होता है, आप उस बजट के मुताबिक ही प्राइस रेंज लगा सकते हो। यही अपने बजट से ओवर जाके अगर आप प्राइस लगाएंगे तो फिर आप मुश्किल में हैं, तो फिर वो तो फ़ायदा ही नहीं हुआ कि मतलब कि आप सेकेंड हैंड भी परचेज़ कर रहे हैं तो अपने आप को मुश्किल में भी डाल रहे हैं। तो हमेशा ही कोशिश करा करें कि अगर आप लोगों का अगर 20,000 की चीज़ सेल हो रही है, तो अगर आपका 10 या 12 या 13 का बजट है, तो आप उसी बजट के अंदर अंदर रह के उसको परचेज़ करें, ताकि आपको मुश्किल ना आए। मतलब कि अगर 13 का बजट है, तो आप ऑलरेडी उसको 10,000 प्राइस लगाओ, 11,000 लगाओ, फिर आगे आप बढ़ा दो, 1,000 रुपया बढ़ाओ या 1,000 रुपया बढ़ाओ, ताकि आप लोगों का जो है ना बजट ओवर ना हो। ठीक है, ये इस टाइम एप्टाबाद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, 17,000 रुपये का सोफ़ा सेट सेल हो रहा है। देन है हमारे पास ऑफिस चेयर, जो कि 3,500 रुपये की मैंने आप लोगों को बताई, चिश्तियाँ में, चिश्तियाँ पंजाब में ये सेल हो रही है 3,500 रुपये। काफ़ी अच्छी चेयर मुझे लगी है ये, और साफ़ सुथरी है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। ठीक है, स्टडी और कंप्यूटर के लिए बेस्ट है, अगर ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हो, शॉप के लिए यूज़ करना चाहते हो, वैसे ये ऑलरेडी शॉप के लिए ही यूज़ हो रही है। तो वैसे अगर आप जिस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। 3,500 रुपये मांग रहे हैं, तो 2,500 रुपये तक भी आपको उम्मीद है मुझे मिल जाएगी। ठीक है, देन है हमारे पास सोफ़ा सेट एल शेप में, इसकी कंडीशन 7x10 है, टेबल की कंडीशन 6x10 है। ठीक है, टेबल की कंडीशन मतलब कि बहुत ही आप कह सकते हो नॉर्मल है। उसके बाद है हमारे पास सोफ़ा सेट जो देखने को मिल जाता है, सोफ़ा सेट की कंडीशन इतनी ख़ास नहीं है, पर यह है कि बाय करके यूज़ बंदा कर सकता है वक्ती तौर के लिए। ठीक है, इसमें अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, तो प्राइस रेंज इसकी मुनासिब है। कॉर्नर का एल शेप सोफ़ा सेट है, आप लोगों को पता है प्राइस जो 30, 32, 35 हज़ार तक की जाती है, तो 15,000 रुपये का ये सेल हो रहा है। साथ में टेबल भी मौजूद है। ठीक है, प्राइस रेंज फाइनल नहीं है, 12,000, 10,000, 10,000 रुपये तक भी उम्मीद की जा सकती है कि मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक अदद बेडरूम सेट, जो कि बेड ड्रेसिंग और साइड टेबल के साथ और मैट्रेस के साथ आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंडीशन 8x10 है बेडरूम सेट की, बहुत अच्छी कंडीशन में, नो डाउट। इसमें आपको ड्रेसिंग भी देखने को मिल रहा है एक अदद, और मैट्रेस भी। अब मैट्रेस का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी का मैट्रेस है। ठीक है, अब मैट्रेस का आइडिया हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि कौन सी कंपनी का मैट्रेस है, उस हिसाब से बंदा प्राइस रेंज की बात करता है। आप उससे पूछ लेना, जिससे भी मतलब कि जो भी इनको कॉल करें। ये लाहौर में मौजूद है, 25,000 रुपये का सेल हो रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितनी प्राइस मुनासिब लगती है, 20,000 रुपये में या 18,000 रुपये में, जितना भी आप लोगों का बजट है, अपने बजट के मुताबिक आप प्राइस लगा सकते हो। देन है हमारे पास फिर एक अदद, मतलब कि दो अदद सिंगल बेड, दोनों की प्राइस रेंज की अगर बात करें कंडीशन, तो 8x10 है, साफ़ सुथरे बेड है, 9,500 रुपये मांग रहे हैं दोनों सिंगल बेड का। कब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दोनों की प्राइस 4,000-4,500 रुपये अगर लगाएं, तो 8,000 रुपये में दोनों बनते हैं। पर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि 7,500 रुपये तक परचेस करना, ताकि आपको 4,000 से भी नीचे का पड़े। अभी फ़िलहाल तो उसने 4,500 से भी ऊपर की प्राइस तकरीबन लगाई हुई है। ठीक है, जितना हो सकता है यार प्राइस को हम कम करवाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी ये इस टाइम रावलपिंडी में मौजूद है, तो पिंडी वाले भाई परचेज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास मतलब कि सिंगल बेड आपको देखने को, सिंगल बेड कह रहा हूँ, डाइनिंग टेबल 4 चेयर के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ टॉप ग्लास आपको देखने को मिल रहा है, और इसके किसी किस्म का इतना ख़ास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताते खुद बड़ा अच्छा ये डाइनिंग टेबल लगा है, मैं आप लोगों को बता दूं। थोड़ा सा जो पोशिश का आप कह सकते हो वो गंदी हुई है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिश इसकी बेहतरीन है, टॉप ग्लास आपको देखने को मिलता है। 12,000 प्राइस रेंज मांगी हुई है, तो डेफिनेटली 10,000 रुपये तक उनका जेन होगा देने का। पर यह कि कम से कम मेरे ख्याल से 8,000 रुपये तक आप प्राइस रेंज लगाओ। ठीक है, तो इतने में समझ में आता है। ठीक है, कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राइस रेंज 8,000 रुपया लगाओ तो समझ में बेहतरीन है। ठीक है, अगर किसी को और अगर समझता है कि यार अगर मैं 9,000 रुपये में भी परचेस कर लूँ तो मुझे ठीक रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो 9,000 रुपये भी प्राइस लगा सकता है। देन है हमारे पास फिर एक अदद मतलब कि डाइनिंग टेबल 6 चेयर के साथ। ये ओवरऑल डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा है। ठीक है, बजाते मुझे इसकी जो शीट डली हुई है उससे थोड़ा सा डाउट है, बाकी ये डाइनिंग टेबल प्राइस रेंज के लिहाज से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें कि शीट उतार के टेबल की, तो यार टेबल का आप जिस तरह इन्होंने कवर किया हुआ है आप भी कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर ठीक है। बाकी हाँ ये है कि चेयर का आप लोग देख लेना कि चेयर का कोई प्रॉब्लम ना हो।
है। सबसे मेन चीज़ ये है कि चेयर आप देख लेना, ताकि आप चीज़ परचेज़ करने लगे तो आपको इतना ख़ास प्रॉब्लम इसमें नज़र ना आए चेयर्स में। ख़ास तौर पे चेयर की पोशिश भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी, वो भी आपने देखनी है। ठीक हो गया, बाकी पॉलिश वगैरह तो चेयर की मुझे ठीक लग रही है, टेबल की कंडीशन और 7x10 उन्होंने भी कंडीशन इसकी मेंशन की हुई है, बजाते उन्होंने खुद 7x10 की हुई है। तो आगे आप लोग सोच लो कि आगे आपको कंडीशन 7x5x10 मिलनी है, ठीक है, काफ़ी रफ़ मिलेगी, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। 6 चेयर के साथ है और 10,000 रुपये का सेल हो रहा है, G15 इस्लामाबाद में मौजूद है, तो इस्लामाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में थी ये चीज़ें, अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छा लगा तो वो वीडियो को मस्त ज़रूर एक लाइक कर दें भाई के लिए, ठीक है। चैनल पे नहीं हुआ तो लाजमी चैनल को भाई के करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।